हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम न्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी न्यूज आई है वो आई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही INSEAD और WIPU है, ये तीनों चीज़ें या तीनों इंस्टीट्यूट हैं ये मिलकर इसको पब्लिश है वो करते हैं। तो हमें इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या इस इंडेक्स में इंडिया की हालत रही है, क्या इस इंडेक्स के पैरामीटर वगैरह वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड, फिर ये नीदरलैंड। अब बात करें ब्रिक्स कंट्री की, तो ब्रिक्स कंट्री में इंडिया की रैंकिंग है वो रही है बीच में, ठीक ठाक से। हमला भी नहीं कहते कि ज़्यादा अच्छी भी ज़्यादा बुरी भी है। इंडिया की ऑल ओवर रैंक रही है 130 कंट्रियों में से 57। तो देखो, आपको रैंकिंग वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे ये रैंकिंग है कैसे। जैसे कि ब्रिक्स कंट्री में इंडिया सबसे नीचे भी नहीं है और सबसे ऊपर भी नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में बात की जाए कि पीछे के अगर स्कोर देखें तो इंडिया के स्कोर फिर ठीक ठाक रहा है। पहले इंडिया का स्कोर 2015 में 81 था, फिर यहाँ पे 66 हुआ है 2016 में, 2017 में 60 नंबर पे पहुँचा और 2018 में इंडिया 57 नंबर पे पहुँच गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। अब देखो, बात करें हम कि किस पैरामीटर पे क्या इसमें जारी है वो क्या जाता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मतलब ये है कि जो कंट्री है या वो किस तरीके से इनोवेशन को, नवाचार को प्रमोट कर रही है, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हालत कैसी है, नए बिजनेस सेटअप करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए सोल्यूशंस किस तरीके प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्राइटेरिया है ना, कुछ हद तक वैसा ही क्राइटेरिया रखा जाता है कि नए इनोवेशन, नई इंडस्ट्री लग रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है सर्टिफिकेट वगैरह मिलने में, नए बिजनेस स्टेबल करने में कितना टाइम लगा, इसके साथ ही पैसा वगैरह कितना क्या लग रहा है, काफ़ी सारे पैरामीटर को चेक किया जाता है कि लाइट का कनेक्शन वगैरह, उन सबको यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है कि भाई गवर्नमेंट है वहाँ पे कैसा काम करे। तो इंडेक्स की रैंकिंग हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 के बारे में। तो अभी इसको अप्रूवल है वो मिल गया तो उसको लेके आया, तो हम इसके बिल के वो दो तीन प्रोविजन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी की बात जो इंपॉर्टेंट बिल वगैरह होते हैं ना उनके प्रोविजन के बारे में भी पूछ लेती है। अब आपको बताऊँ कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल में है क्या। देखो, कुछ टाइम पहले जो रेप केस चल रहे थे उन रेप केस को आपको पता है ध्यान में रखते हुए बातें की जा रही थी कि भाई जो भी विक्टिम या जो भी आरोपी है सॉरी उसको मृत्युदंड दिया जाए, तो उसी आधार पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है कि अमेंडमेंट वगैरह बिल है वो तैयार किया है। तो इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि देखो नई सजाएं वो लेके आई है। एक तो ये किया गया है कि अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर रेप किया जाता है तो उसको या तो 20 साल की सजा या फिर उसको उम्र कैद है वो मिल सकती है। इसके बाद में अगर गैंग रेप किया जाता है 12 साल तक कम उम्र के बच्चे के साथ तो उसको उम्र कैद या फिर उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगर 16 साल से कम उम्र की बच्चे के साथ रेप किया जा रहा है तो उसको 20 साल की सजा और उसे रेप के उसे उम्र कैद है वो प्रोवाइड की जा सकती है। गैंग रेप के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उम्र कैद का प्रावधान किया गया है, और अगर वुमेन के साथ रेप किया जा रहा है तो 10 साल की सजा या 7 साल तो मिनिमम की सजा यहाँ पे प्रावधान है वो किया गया। तो मतलब गवर्नमेंट ने भी संशोधन अमेंडमेंट है वो किए। देखो, उस टाइम पे तो क्या था, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर था, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या था अध्यादेश लेके आई थी गवर्नमेंट, और डायरेक्टली उन्होंने काम है वो कर लिया था। बट अभी गवर्नमेंट है वो प्रॉपर बिल के थ्रू इस चीज़ को पास करना चाहती है ताकि जो भी आरोपी वगैरह हैं उनको उचित सजा वगैरह मिल सके। तो कुछ हमें फीचर्स पता होना चाहिए। आपको पता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले जो रेप के आरोपी हैं 12 साल से कम उम्र के उनको मृत्युदंड देने का प्रावधान है वो किया था। तो यूपीएससी ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स वगैरह पूछ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल में। नेक्स्ट जो हमारी आज की न्यूज़ है वो आई है रिजोल्यूशन 2427 के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसने अभी रिजोल्यूशन 2427 है उसको अडॉप्ट किया है। तो हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी जानेंगे और यहाँ पे रिजोल्यूशन 2427 है किस रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, रिजोल्यूशन 2427 है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बात यहाँ पे की गई है, क्योंकि अगर हम बात करें 2017 के डाटा के मुताबिक तो लगभग 21,000 बच्चों को यहाँ पे सजाए वगैरह, मतलब उनको साथ अमान्य व्यवहार है वो बेसिकली किया गया था एक मोटा मोटा डाटा के अकॉर्डिंग, जबकि वो डाटा तो बिल्कुल हद तक सही नहीं है, मतलब उसमें और भी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड में आज को आपको पता है कि काफ़ी अनस्टेबिलिटी हो रही है, किस तरीके से येमन और सीरिया में सिविल वॉर की हालत हो रही है, म्यांमार में जो रिफ्यूजीज का इशू है वो चल रहा है, तो चारों तरफ माहौल पूरे वर्ल्ड में ऐसा बना हुआ है, और ऐसे माहौल में चाइल्ड की प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो चिल्ड्रंस हैं उनकी प्रोटेक्शन, इसी के साथ चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए और उनको चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम में रखने के लिए रिजोल्यूशन 2427 है। इसके साथ ही जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस वाले एरिया में भी आपको पता है कि चिल्ड्रन को काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो बच्चों को सही ढंग से रखने के लिए रिजोल्यूशन 2427 है। तो आपको ये ध्यान रखना है रिजोल्यूशन 2427 है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो बस आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की।
तो आपको पता है कि यूएन के टोटल 6 ऑर्गन है, कौन कौन से हैं वो 6 ऑर्गन उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उन 6 ऑर्गन में से एक है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप एक तरीके से कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका देखो एम क्या है, क्यों यह बनाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मेन मोटो यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके, मतलब इंटरनेशनल लेवल है वहाँ पे शांति बनाई जा सके और लोगों को सुरक्षित वो रखा जा सके, इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था। अब बात करते हैं इसके मेंबर की। तो देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर है। इसके बाद बात करें 10 मेंबर की, तो 10 मेंबर हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो अस्थायी होते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ये इसके बेसिक फीचर्स वगैरह थे, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो हमने डिस्कस कर लिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इंडिया की रैंकिंग जैसे हमने डिस्कस किया 57 रही है। कौन कौन जिसे पब्लिश करता है वो ध्यान रखना है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD और WIPO। WIPO क्या आपको ये बताना है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने इस बॉडी के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया है। यूएन की वैसे एक स्पेशलाइज एजेंसी है। आप ये बताइए कि यूएन की जो स्पेशल एजेंसीज होती हैं इनको रेगुलेट कौन करता है, यूएन के जो 6 ऑर्गन है उसमें से किसके अंडर आती हैं ये, मतलब कोई ना कोई तो उनको रेगुलेट करता होगा ना कि भाई उसके अंडर काम होता है इनका सारा, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है WIPO के। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आज का आया है, न्यूज़ आई है, वो आई है ईट राइट मूवमेंट के बाद में। कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि बाकी है। FSSAI है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने भी एक मूवमेंट चलाया है जिसका नाम है ईट राइट मूवमेंट, मतलब खाना वो सही ढंग से खाने के लिए मूवमेंट है उन्होंने चलाया है। क्यों ऐसा मूवमेंट चलाया है वो हम देख लेते हैं। देखो आजकल आपको पता है कि फास्ट फूड वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, फास्ट फूड हुआ एवं जंक फूड हुआ, तो उसको लेके क्या होता है कोलेस्ट्रॉल और हेल्थ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मूवमेंट चला गया है ताकि जो खाना है उसके अंदर सोल्ट या शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा तो जो ऑयल का कंजप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि फास्ट फूड होता है उसमें ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए मतलब लगभग ये प्रावधान किया गया है कि आगे आने वाले 3 सालों में इसको 30% तक कम है वो कर दिया जाएगा ऑयल कंजप्शन। इसके साल्ट और शुगर है उसका यूज है वो कम किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक मात्रा से ज़्यादा अगर हम ऑयल और सॉल्ट या शुगर खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसे डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, फिर और भी काफ़ी सारी हमारी बॉडी में मोटापा जैसी बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, आप बोल सकते हो कि FSSAI है, उसने मूवमेंट है वो चलाया है। इसके साथ ही जो ये मूवमेंट है ईट राइट मूवमेंट, इसके दो इंपॉर्टेंट भाग भी हैं, आप बोल सकते हो कि दो मेन पिलर बोल सकते हो, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी के मेन 3 पिलर हैं बट एक मीडिया चौथा पिलर होता है, उसी तरीके से दो पिलर से कौन कौन से हैं ईट राइट मूवमेंट के। एक तो यह ईट हेल्दी मतलब अच्छा खाना खाओ, इसके बाद में ईट सेफ मतलब खाना वो साफ खाओ, सुरक्षित खाना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा वंदा खाना खाओ आप। तो ये यहाँ पे मूवमेंट की तरफ इसलिए फोकस है वो किया गया है। बेसिकली ऑल ओवर अगर हम मोटो की बात करें यहाँ पे कि भाई ईट राइट मूवमेंट का मोटो क्या है, इसका मोटो सीधा सीधा यही है कि आज के टाइम पे जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनसे निपटा जा सके या फिर इम्प्रूव हेल्थ मतलब हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए प्रावधान या मूवमेंट है ये चलाया गया है। अब हम बात करते हैं FSSAI के बारे में। तो FSSAI है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट का एक्ट है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसके तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। अब यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन और आज, वो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि देखो इस बॉडी के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं FSSAI के बारे में, तो आपको मिनिस्ट्री के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में। बात करें चेयरपर्सन की, तो इसके चेयरपर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको अपॉइंट है वो किया जाता है। काम क्या होता है इसका, इसका काम है कि फूड सेफ्टी मतलब फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार करना, इसके साथ ही टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन वगैरह वो करना, फूड क्वालिटी को इंश्योर करना, स्टोरेज वगैरह कैसा है वो सबको ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वगैरह गाइडलाइंस वगैरह तय करना, इसके साथ ही फूड सेफ्टी को भी यहाँ पे प्रमोट है वो किया जाता है। मतलब फूड से रिलेटेड जो भी काम वगैरह बेसिकली क्राइटेरिया फीचर्स वगैरह वो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस थोड़ा आप ध्यान रख लेना, वो है ओल्डेस्ट कलर की। तो विश्व का सबसे पुराना कलर है वो एक्चुअली अफ्रीका डेजर्ट में, अफ्रीका में जो सारा डेजर्ट है वहाँ पे खोजा गया है, बस ये आपको ध्यान रखना है। कलर का कौन सा कलर है, वो है ब्राइट पिंक, जो पिंक कलर होता है उसका ब्राइट मतलब ब्राइट पिंक कलर है उसको भी डिस्कवर किया गया है, जो कि विश्व का सबसे पुराना कलर माना जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ पे है, मेनली वेस्ट अफ्रीका में जो सारा डेजर्ट है वहाँ पे ही पाया गया, बस इतनी सी न्यूज़ है, तो आप थोड़ा न्यूज़ में देख लेना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सेंटर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सेंटर क्या है वो देख लेते हैं। देखो अभी रिसेंटली कोरियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक्चुअली एक एग्रीमेंट या एक MOU साइन हुआ है जिसका मेन प्रावधान ये है कि टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सेंटर है वो खोला जाएगा। तो इंडिया में न्यू दिल्ली में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सेंटर है वो खोला जा रहा है।
काम क्या होगा इसका? इसका काम ये होगा कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको बड़ा प्रमोट है वो किया जा सके, या इनके ऊपर ज़्यादा फोकस है वो किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम लेकर इंडिया में टेक्नोलॉजी आती है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग नए बिजनेस वगैरह सेटल करेंगे, नई नई छोटी छोटी इंडस्ट्री वगैरह लगेंगी, तो ऑल ओवर काफ़ी बेनिफिट उसके सामने आते हैं। तो अभी जो टेक्नोलॉजी एक्सेस सेंटर है इसमें हेल्प कौन करेगा? इसमें हेल्प करेगा वो करेगा NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो कि एक मिनी रत्ना PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट है गवर्नमेंट की। ये हमें ध्यान रखना है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो नॉर्थ कोरिया के टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको एक्सचेंज करते हुए लोगों को यहाँ पे टेक्नोलॉजी का थोड़ा आप बोल सकते हो नॉलेज है वो मिलेगा, जो कि आता है MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये हमें ध्यान रखना है। काम क्या होगा इसका? इसका काम ये होगा कि देखो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है उनके ऊपर फोकस करना, डाटा बैंक है वो तैयार करना MSMEs के लिए कि उनको कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी कैसी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या उनके लिए सोल्यूशंस वगैरह है वो काम करना। इसके साथ ही क्रेडिट रेटिंग है MSMEs की, वो भी NSIC के द्वारा पब्लिश है, वो की जाती है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ एक छोटी सी न्यूज़ और थी कल की, वो भी अभी आपको बता देता हूँ। वो थी कि जो है ना कोरिया, साउथ कोरिया, इसके साथ अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक्चुअली रिसेंटली मिलके लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री है वो खोली है इंडिया में। तो नोएडा के अंदर विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री है सैमसंग ने, वो ओपन किया। तो ये UPSC बेसिकली में भी इतना तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा ध्यान रख लेना, पता होना चाहिए, न्यूज़ है तो किसी और एग्जाम में भी मे बी हेल्पफुल है, वो हो सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है इंडिया की, वो अभी पब्लिश है, वो की गई। ये बताइए कि वर्ल्ड लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक या IMF या फिर कोई और इंस्टीट्यूट? इसके बारे में आपको बताना है। तो इंडिया की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ना वो की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP, जो कि आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसके द्वारा तो ये रैंकिंग है वो पब्लिश है, वो की जाती है। अब इसमें कौन से क्या फीचर्स के आधार पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाले कुछ कुछ वैसे ही क्राइटेरियाज होते हैं कि बिजनेस है उसमें किस तरीके से फोकस किया जा रहा है, बिजनेस नया बिजनेस लगाने में कितना टाइम लग रहा है, प्रोसीजर कितनी ईजी है, डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया कितनी लंबी है, लेंथी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स वगैरह है, उन सबको यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो अभी जो 2018 की जो रैंकिंग जारी की गई है, इस रैंकिंग में काफ़ी सारी बातें यहाँ पे सामने आई हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, सेकेंड नंबर पे तेलंगाना रहा है, और थर्ड नंबर पे बात की जाए तो हरियाणा रहा है इस बार। तो हरियाणा ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, नहीं पहले तेलंगाना नंबर 1 पे था। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट की क्या है, बस थोड़ा आइडिया हमें होना चाहिए। अब इसने कौन सा डाटा वगैरह यूज़ किया वो देख लेते हैं। देखो अगर 2018 में रैंकिंग पब्लिश की गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट ईयर का सारा डाटा है उसको एनालिसिस किया गया, मतलब जो लास्ट ईयर का BRAP जो डाटा था, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान थे गवर्नमेंट के। देखो आपको पता है कि गवर्नमेंट जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश कर रही है तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई तो रिफॉर्म प्लान लेके आएगी ना। तो 2017 में जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान लेके आएगी थी उनके आधार पर गवर्नमेंट ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है 2018 की वो यहाँ पे पब्लिश है, वो की गई है। तो आपको मैंने बता दिया बेसिक कि कौन कौन से स्टेट है, उसके क्या हालात रहे हैं। मेनली हमें ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है, हरियाणा है वो थर्ड नंबर पे रहा है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे तेलंगाना रहा है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब आज का जो एक क्वेश्चन और आपके लिए वो है ज्योग्राफी का है, मैपिंग का, वो है मार्शल आइलैंड के बारे में कि मार्शल आइलैंड की लोकेशन कहाँ पे है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में है तो आज आप न्यूज़पेपर में भी है तो आपको बताना कि मार्शल आइलैंड की लोकेशन कहाँ पे है। मैपिंग में एक बार इसको देखिए, अटलांटिक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है, कहाँ पे है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।